नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एड्स न्यूज एंड इन्फो में। आज किसी का चुल का जो है चुल चुल हो गया, थैंक्स टू एबरडीन पुलिस स्टेशन और हमारे पुलिस पे हमें बहुत गर्व है। आप है इसलिए हम सुरक्षित हैं और जो क्राइम रेट है वो कम है। आप ना होते तो हमारे जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं या फिर क्रिमिनल्स है वो ओपनली क्राइम करते हैं। तो हमें आप पे गर्व है, हमारे जो पुलिस है, हमारे आर्मी हैं, हमें आप सब पे बहुत गर्व है। आप सबके लिए सैल्यूट। किसी की रातों की नींद उड़ गई है मेरे वजह से, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ऐसा कर पाया कि आपके रातों की नींद उड़ गई है। आपकी रातों की नींद उड़ गई है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको अगर नींद नहीं आ रही, आप 3-4 दिन मत सोइए, कोई कुछ आपको नहीं बोलने वाला है। जी हाँ, लेकिन आपका कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप किसी के ऊपर मजाक वाला वीडियो बना दें या फिर ओपनली किसी का मजाक बना दें। आपको अगर बनाना है, आपकी अगर यही आपकी अगर टैलेंट है, तो प्लीज सामने जिसको बना रहे हैं आप उनसे पहले पूछ लीजिए आपको ऐसा कुछ काम करना है, सामने वाले की सहमति हो तब जाके बनाइए, नहीं तो मत बनाइए। सब एक जैसे नहीं होते हैं, किसी के मानसिकता पे ठेस पहुंच सकती है, तो आपको समझना चाहिए सब बात। मैं ये बात इन सबको बताना चाहता हूँ, ये सोशल मैसेज देना चाहता हूँ हमारे सारे जो यूट्यूबर है, जो भी वीडियो बनाते हैं, जो भी दूसरों के बारे में वीडियो वगैरह बनाते हैं। तो आप किसी के बारे में अगर वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो प्लीज सोच लीजिए, समझ लीजिए कि आप दूसरों को हंसाने के लिए किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। जी हाँ, पहले आप खुद समझिए आप क्या कर रहे हैं, सामने वाला का कंसर्न ले लीजिए, नहीं तो आज जो हाल हुआ वही हाल होगा हर बार। और आपको मैं अगर पसंद हूँ बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं पसंद हूँ ये भी बहुत अच्छी बात है। मैं आपको नहीं बोल रहा, आप आइए मेरा न्यूज देखिए या फिर मैं जो बक रहा हूँ आप देखिए। मैंने आपको जबरदस्ती पकड़ नहीं रखा है। आपकी अगर कोई राय है, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप कमेंट में दीजिए। आपकी अगर कोई पर्सनली आपको लग रहा है गलती है, आप बाकी पर्सनल दीजिए। मुझे अच्छा लगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा, नहीं अच्छा लगा मैं डिलीट कर दूंगा। लेकिन आपका कोई अधिकार नहीं है कि मेरे ऊपर वीडियो बना दे या फिर कुछ कर दे या फिर किसी के ऊपर भी। मैं ये सबके तरफ से बोल रहा हूँ। और हाँ, कुछ लोग जो है बार बार कमेंट कर रहे हैं कि कैरी मिनाती कैरी मिनाती। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अब आप बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको पता है कि कैरी मिनाती कौन है। क्या आप जानते हैं कैरी मिनाती को पर्सनली? नहीं जानते ना। अगर कभी मौका मिले तो पर्सनली जाके पूछ लीजिए उसे क्या क्या प्रॉब्लम आया होगा दूसरों के ऊपर रोस्ट करते वक्त या फिर मजाक बनाते वक्त। स्टार्टिंग में तो भाई साहब वो अपना शक्ल ही नहीं दिखाता था वीडियो में, क्योंकि पता था लात जूते मिलेंगे उसे। तो बाद में जब देखा नहीं बहुत सपोर्ट मिल रहा है पब्लिक का, तब जाके भाई उसने जो है अपना चेहरा दिखाना शुरू किया होगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई ये मत देखिए या ये आपका खुद का पर्सनल राय है, लेकिन गलत चीजों को भाई आप सपोर्ट मत करिए। मैं पब्लिक को सबको मैं ये बताना चाहता हूँ, गलत चीज कभी सपोर्ट मत करिए। कोई अगर किसी का मजाक बना रहा है, किसी के बारे में टिप्पणी कर रहा है, किसी और को तकलीफ दे रहा है, तो फिर ये आपका दायित्व बनता है कि आप ऐसे लोगों को रोके, ना कि आप उसको प्रोत्साहन दे भाई हाँ दूसरों का मजाक बना। दूसरों का मजाक बनाने से पहले या फिर दूसरों को हर्ट करने से पहले आप ये खुद के ऊपर सोच के देखिए कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा। हमेशा आप कुछ भी गलत हो रहा देखेंगे तो ये अपने आप के ऊपर एग्जाम्पल दीजिए। पहले ये सोचिए कि ये आपके साथ अगर होगा तो कैसे लगेगा। जी हाँ, मुझे पर्सनली ऐसे यूट्यूबर्स या फिर ऐसे जो भी वीडियो बनाते हैं दूसरों का मजाक बना के, दूसरों का उल्टा सीधा ये करके, दूसरों का हर्ट करके जो आगे बढ़ रहे हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, मुझे पर्सनली ऐसे लोग नहीं पसंद है। आपको पसंद है आप देखिए, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि गलत चीज को कभी सपोर्ट मत करिए। जी हाँ, और जो बड़े बड़े ऐसे कैरी मिनाती जो आप बार बार बोल रहे हैं कमेंट में, तो कैरी मिनाती भाई अभी उनको लोग खुद बोलते हैं कि भाई मेरा रोस्ट बनाइए ताकि उनका जो है नाम बढ़े। जी हाँ, वो अभी ऐसे जगह पहुंच गए हैं। आपको अगर बनाना है पहले वैसे जगह पहुंचिए, लेकिन आप पहुंचने से पहले ये समझ लीजिए कि आपके पास ऐसे बाधाएं आएंगे जो कैरी मिनाती ने फेस किया होगा। आप अगर बाधा पार कर सकते हैं तो आप बनाइए, आपकी अगर इतनी हिम्मत है। जी हाँ, तो मैं हमेशा सच्चाई और अच्छाई का साथ देता रहूंगा और
हमेशा सच्चाई का साथ रहूंगा और बुराइयां और जो गलत हरकतें हैं कहीं भी, मैं उनका साथ कभी नहीं देने वाला। जी हाँ, आप कुछ भी कर लीजिए, मैं गलत चीज़ों का साथ नहीं देने वाला। जो सच्चाई है और जो अच्छे हैं और जो अच्छे से काम करते हैं, जिनके पास मैनर्स हैं, उनको मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा। जी हाँ, तो आज जिस बंदे से प्रॉब्लम हुआ था उससे मैंने बात किया, तो पर्सन से बात कर रहा था, कुछ खराब नहीं लगा, पर्सन अच्छे से बात कर रहा था भाई। गलत ईगो लेके आप गलत काम करके ऊपर से गलत ईगो भी रखेंगे तो कभी भी हमेशा रिजल्ट जो है गलत ही आएगा। जी हाँ, तो अगर आप गलत कर रहे हैं तो ईगो मत रखिए, मान लीजिए जो चीज आप गलत कर रहे हैं, और आपको अगर बताया गया वीडियो डिलीट करके कुछ भी करिए, कर दीजिएगा। जी हाँ, आप अगर खुद को पता है आप गलत कर रहे हैं, आपको अगर पता है आपका टैलेंट है, जो भी है आप अपना टैलेंट दिखाइए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन आप परमिशन ले लीजिए सामने वाले से जिसके ऊपर भी कुछ बनाने वाले हैं, नहीं तो हर बार जो है ऐसे हसर होने वाला है। जी हाँ, तो ऐसे लोगों को जो फॉलो कर रहे हैं मजा आ रहा है भाई, वो भी पहले खुद समझ लीजिए, कुछ अपने दिमाग में जो है ये बात भर लीजिए। आप जो सपोर्ट कर रहे हैं किसी के भी, अच्छी बातें सपोर्ट कीजिए, लेकिन आप ये बात भी सोच लीजिए आपके ऊपर अगर ऐसा कोई वीडियो बनाएगा या फिर कुछ करेगा तो आपको कैसे लगेगा। आपको अगर मजा आ रहा है, अगर आप बोलेंगे हाँ आपको मजा आता है, तो आप खुशी खुशी अपने ऊपर बनाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को प्रॉब्लम है। तो ऐसे अगर किसी सहमति के साथ हो रहा है कोई चीज़ तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन बिना सहमति के कोई चीज़ हो रहा है और किसी को हर्ट हो रहा है तो बहुत गलत चीज़ है। जी हाँ, और मैं कभी सपोर्ट नहीं करने वाला। कोई सर परफेक्ट नहीं होता, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, आप परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। मुझे पता है मुझ में गलतियाँ हैं, मैं मानता हूँ मुझ में गलतियाँ हैं, आपको भी ये मानना होगा कि आप में भी गलतियाँ हैं। आप खुद की गलतियाँ निकाल के वो सामने दिखाइए, दूसरों की गलती निकालना जो है बहुत ईजी होता है, खुद के ऊपर हंसी बनाना, हंसी मजाक करना ये बहुत हिम्मत का काम होता है। आपको अगर है आपके अंदर हिम्मत है तो आप खुद के ऊपर हंसी मजाक बनाइए, कोई मना नहीं करेगा और लोग समझ जाएं कि हाँ आपके अंदर हिम्मत है। तो अपने ऊपर पहले जो है हंसी मजाक बनाइए। कपिल शर्मा ले लीजिए, जो भी हैं बड़े बड़े कॉमेडियंस जो भी हैं, वो पहले परमिशन ले लेते हैं। जी हाँ, जिनके ऊपर भी जो वो कॉमेडी करने वाले होते हैं उनसे परमिशन ले लेते हैं, नहीं तो फिर उनके ऊपर भी केस हो जाएगा और वो भी आज ये जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे। जी हाँ, तो किसी के ऊपर कुछ टिप्पणी करने से पहले आप अच्छे सोच लीजिए, समझ लीजिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो इस टॉपिक को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप इस चीज को आगे जो है गलत वे में नहीं लेंगे और जो है इस चीज को गलत तरीके से नहीं प्रमोट करेंगे। जी हाँ, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर पहले ही बताया था आपको, कोई फोर्स नहीं कर रहा है और आपका कोई अधिकार नहीं होता है कि आप मुझे बताएं मैं क्या बोलूं नहीं बोलूं या फिर क्या चीज के ऊपर करूं। आप फोर्सफुली नहीं बोल सकते। हाँ, आप अपना राय दे सकते हैं कि आप जी हाँ आप ऐसे न्यूज बनाइए, इस चीज के ऊपर न्यूज बनाइए, यहाँ का न्यूज बनाइए, लेकिन आप फोर्सफुली किसी को ये नहीं बोल सकते कि हाँ आप यहीं का न्यूज बनाइए, ये करिए वो करिए। ये मेरा अधिकार है, मेरी मर्जी है, मैं जहाँ के ऊपर बनाऊं न्यूज या फिर जो जगह के बारे में बोलूं। जी हाँ, मैं किसी के मानसिकता को ठेस नहीं पहुंचा रहा, मैं किसी को पर्सनली पॉइंट आउट करके जो है उनके मानसिकता को ठेस नहीं पहुंचा रहा कि आप ऐसे हैं आप वैसे हैं आप ये करिए वो करिए। मैं किसी को पर्सनली हर्ट नहीं कर रहा। जी हाँ, आप भी किसी को पर्सनली हर्ट मत करिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं भी किसी को पर्सनली हर्ट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जी हाँ, और मैं यहीं पे हूँ, रहूँगा, आप जो है सपोर्ट करते रहिए। आपके पास कोई अच्छा न्यूज़ है मुझे दीजिए, मैं प्रमोट करूंगा, आपको दिखाऊंगा, लेकिन गलत चीज़ में कभी प्रमोट नहीं करने वाला। तो नेट फास्ट हो गया है, कहीं कहीं नहीं आया है वहाँ पे भी जो है नेट फास्ट हो जाएगा, इंटरनेट आया है, प्लीज़ इसका गलत उपयोग मत करिए, इसका सदउपयोग करिए इससे, ताकि हमारे आइलैंड का भलाई हो और आइलैंड के लोग आगे बढ़ सके। ऐसा ना हो कि आप एक दूसरे को ही गलत तरीके से नीचे दबाएं, ये सब मत करिए प्लीज़। और कुछ दिन पहले एक अंकल ने मुझे अननोन अंकल ने मुझे फ़ोन किया था, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, उनके बात सुन के लगा कि हाँ उनकी जो टॉपिक है उनको रखना चाहिए वीडियो में। तो वो मुझे फ़ोन करके बोल रहे थे कि उनके बच्चे जो है हाथ से निकल रहे हैं, वो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, इंटरनेट आ गए करके सुबह शाम बैठ के गेम खेल रहे हैं। तो प्लीज़ मैं
बच्चों से दरख्वास्त करता हूँ, आप पहले अपने पढ़ाई करिए, गेम वगैरह एक लिमिटेड टाइम बनाइए, आप इतने लिमिटेड टाइम में जो है गेम खेलिए, उसके बाद अपना पढ़ाई वगैरह सब करिए, सबको टाइम टाइम में रखिए और अपने पेरेंट्स के बात सुनिए। जी हाँ, अपने पेरेंट्स के बात सुनिए, किसी को हर्ट मत करिए। आपके माँ बाप आपको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, उनका जो है आपके ऊपर एक अधिकार है, आपको डांट सकते हैं, आपको बोल सकते हैं, आप प्लीज़ उनको हर्ट मत करिए। जो भी बच्चे मुझे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, तो यही मैं बोलना चाहूँगा, जी आप अपने बच्चों को खेलने दीजिए, गेम वगैरह जो है ऐसा नहीं कि हमेशा पढ़ाई में रखिए, ये रखिए, उनको जो पसंद है गेम खेलना खेलिए आप, और उनको खेलने दीजिए अपने बच्चों को। लेकिन ये है कि मैं बच्चों से दरख्वास्त करूँगा, आप एक टाइम लिमिट बना लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे गेम खेल रहे हैं, रात 3-4 बजे तक बैठ के जो है आप गेम खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इससे क्या होगा, अब हमारे जो इंटरनेट आया है इसका गलत उपयोग हो जाएगा। जी हाँ, तो जो अंकल थे जिन्होंने मुझे बताया था ऐसा प्रॉब्लम है, उनसे बातचीत नहीं हो पा रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में उनसे बातचीत करके उनका रिकॉर्डिंग जो है दे दूं। तो प्लीज कोई भी फैसिलिटी आ रहा है उसका दुरुपयोग मत करिए, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा। और मैं चाहूंगा हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट है, आप अवेयरनेस फैलाइए अपने ट्विटर से, हमारे जो भी सोशल मीडिया आके अवेयरनेस फैलाइए, ताकि लोग जागरूक हों और सोशल मीडिया सब चीज़ों का जो है गलत उपयोग ना करें, और हर चीज़ का जो है सदुपयोग हो, और हमारा आइलैंड आगे बढ़े और हमारे लोग आगे बढ़े। तो आगे चल के देख लेते हैं कोरोना अपडेट, कोरोना केसेस कहाँ तक पहुँचा है, कोरोना क्या हाल है, अंडमान में कितने तक पॉजिटिव हो गए हैं, कितने लोगों का दुखद डेथ हो गया है, और क्या गतिविधि है, चलिए देख लेते हैं। बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन हमेशा याद रखिए सच्चाई की जीत होगी और अच्छाई की जीत होगी। बहुत बुराई है लेकिन अच्छाई है कहीं, इसलिए ये दुनिया देश जो है चल रहा है। इसलिए हमेशा अच्छाई को आगे बढ़ाइए, कोई भी चीज गलत हो रहा है उसको गलत को आगे मत बढ़ाइए, मैं हमेशा आपसे यही दरख्वास्त कर रहा हूँ। जी हाँ, तो आपको अगर हमारा न्यूज पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अवेयर हो सके। हमारे कमेंट सेक्शन में आके बता दीजिए, जैसे कि आप बता रहे हैं मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, कैसे अच्छा कर सकते हैं, और कोई राय है आप दे दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हर दिन के लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। तो इसी के साथ मैं आज आप सबसे अलविदा लेना चाहूंगा, जय हिंद।